कोरोना काल के पहले से निरोगी राजस्थान के संकल्प पथ पर अग्रसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर हैं और लगातार प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों सामान्य बीमारियों के मरीजों की सुविधा के लिए सीएम गहलोत ने प्रदेश भर में करीब 428 मोबाइल ओपीडी वैन की शुरुआत की थी। वहीं आज से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श टेलीमेडिसिन की शुरुआत प्रदेश में होगी। सीएम गहलोत ने प्रदेश में प्रतिदिन हो रही 10,000 कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाकर अब 25,000 जांचें प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रदेश में आज से कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से उपचार प्रारंभ हो जाएगा। सीएम गहलोत ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थान अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह मजबूत बना रहा है कि भविष्य में हम किसी भी संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सके। आगे मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएम आवास पर हुई प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के उपचार के लिए इजाजत दे दी है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के कारण किसी भी गैर कोविड मरीज को उपचार के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सोमवार से चरणबद्ध रूप से एक वेब पोर्टल के जरिए टेली ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा की शुरुआत हो रही है। इसके पहले चरण में 30 चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों को परामर्श दिया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गैर कोरोना रोगियों के लिए हमने पिछले दिनों 428 मोबाइल ओपीडी वैन प्रदेश भर में चलाई थी, जिनमें अब तक करीब 1,60,000 रोगियों ने सेवाएं ली हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पहले राज्य में कोरोना रोगियों के लिए जांच सुविधा नहीं थी, हमें सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश में 10,000 जांचें प्रतिदिन हो रही हैं और हमारा लक्ष्य इसे 25,000 प्रतिदिन करना है। हमने अमेरिका से कोपास कंपनी की दो मशीनें मंगवाई हैं जो एक साथ 4,000 टेस्ट कर सकती है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पीसीआर टेस्ट में काम आने वाली आरएनए किट्स भी अब हम स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे ताकि इनकी कमी नहीं रहे। विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर इस जंग के खिलाफ लड़ने का है। राज्य सरकार ने कोरोना की जंग को लेकर जो प्रयास अब तक किए हैं उनकी सराहना पूरा देश कर रहा है। मैंने कभी भी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सभी प्रदेशवासियों को इसका श्रेय दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि केंद्र सरकार से 2700 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए का जो फंड मिला है वह नियमित राशि है। यदि कोरोना की महामारी नहीं आती तब भी हमें यह राशि मिलती ही। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि बीते करीब 2 महीने में राज्य सरकार के राजस्व में करीब 10,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हमने एक अध्ययन करवाया था जिसकी रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों के बंद रहने से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में केंद्र को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए। अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख श्रमिकों एवं प्रवासियों ने आवागमन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। राज्य सरकार लगातार प्रवासियों एवं श्रमिकों के सकुशल आवागमन के लिए प्रयासरत है। अब तक करीब 1 लाख प्रवासी राजस्थान आ चुके हैं और करीब 60,000 श्रमिक अन्य राज्यों में जा चुके हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें श्रमिकों एवं प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। हम उनसे लगातार संपर्क कर अनुमति के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन आज भी लागू है, कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, ऐसे में लोग बेवजह बाहर नहीं निकले। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश 2020 लागू कर अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। इसके तहत दुकानदार, ग्राहक एवं सार्वजनिक और कार्यस्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट बनाए रखनी होगी। कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तंबाकू आदि नहीं बेच सकेगा और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकेगा तथा शराब नहीं पी सकेगा। शादी समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।